आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के किसी खास खबर पर। जमशेदपुर के पोटका के बालीजुड़ी मुख्य सड़क पर अनियंत्रित होकर 407 ट्रक पलटने के दौरान 100 बोरा गेहूं मिलने और पुलिस द्वारा जब्त किए जाने के मामले पर पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। यह गेहूं आया कहां से, जो सही तरीके से जांच की हमने प्रशासन से मांग की है और जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि गरीबों के अनाज की कालाबाजारी ना हो। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पोटका प्रखंड में गेहूं का आवंटन नहीं है, फिर पोटका थाना क्षेत्र में सरकारी टैग लगा हुआ बोरा में गेहूं का पाया जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। हालांकि पोटका थाना में गाड़ी मालिक और चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। और उसमें गेहूं 100 बोरा प्राप्त हुआ है पोटका थाना। बात यह है कि बहुत गंभीर मामला है कि ये गेहूं आया कहां से, उसमें सरकार के बोरा हैं और वर्तमान जो स्थिति इस राज्य और देश में बनी हुई है कि COVID-19 को लेकर यहाँ की गरीब जनताओं के लिए, कार्डधारियों के लिए अगर अनाज उनको देना है तो कहीं ना कहीं सरकारी अनाज है तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रहा है। तो ये कालाबाजारी का अगर सरकारी अनाज है और उसका कालाबाजारी हुआ है तो ये जांच होना चाहिए और जांच होकर जो जो लोग इस कड़ी में जुड़े हुए हैं उनका प्रति कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ड्राइवर के ऊपर मामला दर्ज हुआ, गाड़ी मालिक के ऊपर दर्ज हुआ मामला। ये देखिए, गाड़ी ड्राइवर और गाड़ी मालिक का क्या करें, वो लोग अपना गाड़ी है भाड़ा के सहारा में तो लोग अपना चलवे करेगा, पेट है उनका भी, बात वो नहीं है। बस इसमें जो गैंग है, जो अंदर के कड़ी है और कौन कौन संलिप्त हैं, अनाज कहाँ से आया, ये डोर डिलीवरी सिस्टम के तहत दुकानदार का है या राशन दुकानदार का है या मार्केट का है, ये जाँच का विषय है और जाँच होना चाहिए। जांच हो के कानूनी कार्रवाई।